फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर। एक दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ गई है और ये साइट पर खबर आ गई है, परीक्षा तिथि है उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा तिथि संभावित की गई थी 28 अक्टूबर, उसको अभी हटा दिया गया है और उसकी जगह अभी तक तो कोई डेट नहीं लाई गई है। लेकिन दोस्तों बाद में क्या नई डेट ला सकते हैं, तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फिर पास में आ रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ आरपीएससी की, rpsc.rajasthan.government.in पर। और यहाँ पर आप आने के बाद आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर आप भी देख सकते हो जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज हुई है दोस्तों। और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर देखते तो सबसे नीचे चले जाएंगे आप, तब आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपकमिंग एग्ज़ाम डेट्स का। ये एग्ज़ाम डेट का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको भी, तो यहाँ पर ये सबसे नीचे आपको भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों व्यू ऑल एग्ज़ाम डेट्स, तो इस पर ही आपको क्लिक करना है सबसे पहले, ना कि दोस्तों यहाँ पर आपको इधर अगर जाना है कहीं पर, यहाँ पर व्यू ऑल एग्ज़ाम डेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अभी हम भी क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ही देर में ओपन हो रहा है हमारे सामने, तो ये ओपन भी हो चुका है दोस्तों। और ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ईयर लिखा हुआ है और सेलेक्ट एग्ज़ाम नेम लिखा हुआ है, तो हमको दोनों ही सेलेक्ट कर लेने हैं। पहले तो सेलेक्ट करना ईयर जो कि है 2018, और फिर एग्ज़ाम है। तो दोस्तों एग्ज़ाम तो आपको पता है हमारा एग्ज़ाम है, ये जो 2018 की लिस्ट देख रखी है यहाँ पर, फिर हम देखिए हमारा एग्ज़ाम है यहाँ पर लिखने को मिल जाएगा हमें। तो हमारा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हम देखने को मिल जाएगा। तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है यहाँ पर जो एग्ज़ाम है उनकी, तो यहाँ पर देख सकते हो आप हमारा एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल चुका है सेकंड ग्रेड टीएसपी और नॉन टीएसपी का। तो भले ही आप किसी को भी ओपन करें, टीएसपी वाले को ओपन करें नॉन टीएसपी, तो भी हम नॉन टीएसपी को ही ओपन कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है दोस्तों, नॉन टीएसपी का ओपन किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम में, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में कोई भी प्रस्तावित परीक्षा तारीख प्रकाशित नहीं की गई है। तो यानी कि अभी कोई ऐसी डेट नहीं आई है, लेकिन दोस्तों पहले आ चुकी थी डेट और अब हटा दी गई है। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, या फिर तो मैं आपको बता दूँ कंप्यूटर एरर की वजह से, त्रुटि की वजह से कुछ ऐसी हो गई हैं, खामी आ गई हैं, और जिस वजह से यहाँ पर कोई भी प्रस्तावित डेट नहीं रखी गई है, या फिर दोस्तों असली में ही एग्ज़ाम डेट को हटा दिया गया है। तो एग्ज़ाम डेट को हटा दिया गया है और वह अभी सूचना सही तरह से नहीं दे पाए, प्रेस नोट नहीं जारी कर पाए, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है और चुनाव की वजह से जो सारे कर्मचारी है वह भर्तियों को पूरे कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, और इस वजह से यहां पर सही तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सके होंगे। लेकिन रात तक हमें इस प्रकार का प्रेस नोट देखने को मिल जाएगा, और वरना दोस्तों आप मान सकते हो कि यहाँ पर जो आ रही है डेट वो दोस्तों कोई भी प्रस्तावित नहीं है, यानी कि कंप्यूटर त्रुटि की वजह से यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो बग्स वगैरह आ चुका है और इस वजह से यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये साइट भी कुछ हो चुकी है गड़बड़ या फिर तो यहाँ पर ऐसा ही है दोस्तों। और क्योंकि प्रेस नोट अभी तक जारी नहीं किया गया है, और यदि ये कारण हो सकता है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जो शिक्षक वगैरह हैं वो अभी बिजी हैं दोस्तों चुनाव की प्रेशर को लेकर, और इस वजह से कोई प्रेस नोट वगैरह जारी नहीं कर सकते हुआ होगा दोस्तों। तो यहाँ पर यह भी रीज़न बताया जा रहा है दोस्तों। तो यदि आप टीएसपी वालों को भी देखते हो दोस्तों, तो टीएसपी में भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगी परीक्षा तिथि, उसमें भी हटा दी गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक तो ऐसी कोई डेट नहीं मिली है कि 28 अक्टूबर को परीक्षा नहीं होने वाली है, अभी तो इतना ही साइट पे लिखा आ रहा है कि अभी तक कोई भी तिथि प्रस्तावित नहीं की गई है, प्रकाशित नहीं की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक कारण यह भी हैं
कि चुनाव का प्रेशर है और इसी वजह से परीक्षा तिथि की सही जानकारी नहीं डाली गई होगी दोस्तों साइट पर। तो यहाँ पर एक रीज़न ये बहुत ही बड़ा देखने को मिल रहा है और भर्ती जल्द से जल्द पूरी करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं और इस वजह से कहीं कहीं इंफॉर्मेशन की त्रुटि देखने को मिल रही है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही एग्ज़ाम वगैरह। तो यहाँ पर वो भी प्रेशर चल रहा है चुनाव का कि चुनाव पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या चल रहा है कि चुनाव तो जीतना चाहते हैं, चुनाव फिर से भाजपा सरकार बनाना चाहती हैं और इसी वजह से वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी भर्तियाँ वो पूरी की जाए, जो कि भर्तियाँ निकाली गई हैं आरपीएससी ने और इसी वजह से यहाँ पर त्रुटि भी देखने को मिल रही है दोस्तों मेरे हिसाब से। और यदि ऐसा निश्चित हो गया है कि यहाँ पर ये साइट वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों, साइट हैंग वगैरह बग्स वगैरह कुछ नहीं हुई हैं और असली में एग्ज़ाम चेंज हुई हैं एग्ज़ाम डेट, तो यहाँ पर दोस्तों आपको रात तक या फिर कल सुबह तक आपको नोट, प्रेस नोट है वो मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अभी की जानकारी यही है दोस्तों कि कोई प्रस्तावित डेट नहीं हुई है, प्रकाशित तो नहीं हुई है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।